गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एसएसबी विद महावीर सर में मैं यश सर मेरे सभी मित्रों का सभी लाडलों का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी की सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हम भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और नोबेल पुरस्कार देख चुके हैं, उसी कड़ी हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम विश्व के और उसी के साथ साथ में भारत के वो प्रमुख पुरस्कार देखने वाले हैं जो समय समय पर दिए जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही होगी जिसको आप कहते हैं ऑस्कर। और आज हमारी क्लास 4 है, तो सबसे पहले चलिए हम चर्चा कर लेते हैं ऑस्कर पे। अगर मैं उससे पहले, हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए न्यू बैच जो है, ऑल इन वन कोर्स, सभी कुछ आपको एक जगह मिलने वाला है, ओनली ऑन कहा, हमारे दोरा क्लासेस के ऐप पर, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां से दोरा क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर जाना है, इसमें एनरोल करना है और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए आज हम पहली बात करते हैं ऑस्कर की। जैसा कि आप, इसकी प्रतिमा भी आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। ऑस्कर की अगर बात की जाए तो ऑस्कर का प्रारंभ है वो 1929 में हुआ था। कब? 1929 में हुआ था। यह फिल्म जगत में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित नेशनल अकादमी किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज यूएसए के द्वारा ये आपके पुरस्कार जो है ऑस्कर दिया जाता है। और अगर आप इस प्रतिमा को, इस आइडल को अगर देखेंगे, जो आइडल आप देख रहे हो ऑस्कर की, ये आपके धातु से बनी होती है और उसके ऊपर आपके गोल्ड जो होता है, उसकी सोने की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। और इसके बारे में खास ये कहा जाता है कि जब किसी को ऑस्कर दिया जाता है तो उससे क्या करवाया जाता है, उससे एग्रीमेंट करवाया जाता है कि आप ऑस्कर की जो ये आइडल है, जो इसकी मूर्ति है, इसको आप बेच नहीं सकते। अगर आप इसको बेचोगे तो जो भी राशि में आप इसको बेच रहे हो उसमें से $1, जी हाँ, $1 आपको जो है वो इस संस्था को जमा करवाना होगा। उसी के साथ साथ में यह पुरस्कार फरवरी माह में कोडैक थिएटर हॉलीवुड में जो है आयोजित भव्य समारोह में दिया गया था, परंतु सबसे पहले जो ऑस्कर है वो रूजवेल्ट होटल में इसका आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले जो प्रथम ऑस्कर था वो रूजवेल्ट होटल में दिया गया था, यहां पर इसका जो भव्य समारोह किया गया था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा जो है वो काले मेटल की बनी होती है और उसका जो बेस होता है काले मेटल का, जिस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। प्रथम ऑस्कर जो है वो जॉर्ज बनाई शो को 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, जो जॉर्ज बनाई थे उनको 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए जो है वो पहला ऑस्कर मिला था। चलिए बात करते हैं भारत में जो है, यहां से हम बात करेंगे भारत की, तो भारत में जो है वो किसकी, कौन कौन ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ किस किस का ऑस्कर मिला है। तो महबूब खान की जो मदर इंडिया थी उसको सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म क्षेत्र में 1958 में जो मदर इंडिया आई थी उसमें आपको पता है, जिसमें हमारे नरगिस जी थी और उसके अंदर जो आपके, अगर मैं बात करूं आप ये कह सकते हो नरगिस जी थी, उसके अंदर आपके सुनील दत्त साहब थे जिन्होंने बड़ा ही शानदार अभिनय किया था। और मदर इंडिया फिल्म जो है 1958 में नामांकन प्रथम बार मिला, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो महबूब खान की मदर इंडिया को 1958 में पहली बार नामांकन मिला था, ऑस्कर नहीं मिला था। और ऑस्कर पहने वाली पहली भारतीय जो फिल्म की अगर मैं बात करूं तो पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया। और भानु अथैया जिन्हें जो आपके गांधी फिल्म थी, यानी पहला ऑस्कर है वो किसको मिला, गांधी फिल्म में किसको मिला था, भानु अथैया को, जो कि एक डिजाइनर है। और भानु अथैया को जो आपके एटनबैरो था, रिचर्ड एटनबैरो, और रिचर्ड एटनबैरो की जो कॉस्ट्यूम है उसके डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। सत्यजीत रे ने पहले भारतीय थे जिन्हें लाइफ टाइम अवार्ड ऑस्कर 1992 में, यानी 1992 में। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सत्यजीत रे जिन्हें पहली बार, यानी अगर आप देखें तो ऑस्कर के इतिहास में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो ऑस्कर की तरफ से उन्हें 1992 में दिया गया था। उसके बाद में ऑस्कर में नामित हुई भारतीय फिल्में, यानी वो फिल्में जो आपके ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई पर उनको ऑस्कर नहीं मिला, जैसे मदर इंडिया 1957 में और 1958 में गई थी, सलाम बॉम्बे 1988 में, लगान 2001 में, आपको पता है भाई आमिर खान स्टारर है, उसके बाद में स्वास पहली शाहरुख खान स्टारर थी, और रंग दे बसंती 2006 में। यानी इन सभी को आपके समय समय पर नॉमिनेशन मिला पर इनको ऑस्कर नहीं मिला। तो पहली भारतीय मूवी जिसको ऑस्कर मिला वो कौन है, तो ऑस्कर जीतने वाली भारतीय फिल्में जिसमें आप देखोगे स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसको 2008 में मिला था, जिसके डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश मूल से थे, जिनका नाम है डायने बॉयले, ठीक है ना।
तो उनको, और इस फिल्म में अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म में किस किस को मिला था, स्लम ब्लॉक मिलेनियर में अगर बात करोगे तो इसके जो एक्टर थे, जो हीरो था हीरोइन था, उनका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, बट उसके साथ में ए आर रहमान साहब जो है उनको मिला था, उसी के साथ में गुलजार साहब जो है उनको मिला था, और उसी के साथ में अनिल कपूर जो आपके बेस्ट एक्टर हैं, इन सभी को, जिसमें आपके ए आर रहमान, गुलजार, अनिल कपूर जो हैं, इनको आपके इसमें क्या मिला था, इनको इसके लिए ऑस्कर से नवाजा गया था। उसके बाद में बिल्कुल अभी लेटेस्ट में 2020 आपके अगर बात करूं तो अभी लेटेस्ट में जो 23 में ही जो मिला है वो किसको मिला है, आर आर आर, जिसके डायरेक्टर कौन है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, एसएस राजामौली, जिन्होंने आपके बाहुबली बनाई है। उसी के साथ साथ में अगर अवार्ड मिले तो वो किसको मिला है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है, और नाटू नाटू में बेस्ट डांस, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट कंपोजिशन है ना, जिसके लिए नाटू नाटू को दिया गया। उसी के साथ में द एलिफेंट विस्परर्स, जो आपके हाथियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कार्तिक गोंजाल्विस ने, और उसके साथ में है गुनीत मैंने मिन्हा, इन दोनों को आपके क्या दिया गया है, इन दोनों को आपके एलिफेंट विस्पर्स के लिए 2023 का अवार्ड जो है ऑस्कर मिला। ये तीनों फिल्म है जिन्होंने क्या जीते हैं, ऑस्कर जीते हैं, ठीक है ना, ये नॉमिनेट भी हुई, ऑस्कर भी मिला। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों की, पर ये वो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 26 जनवरी को इनको दिया जाता है, यानी हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष पर इन सभी पुरस्कारों को दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी भारत का रत्न जिसको कहा जाए, तो प्रारंभ 1954 में हुआ, गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते का, अगर आप देख रहे हो कि पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र, जो ये देखो पीपल का पत्ता है उस पर सूर्य अंकित है, और एक तरफ देखोगे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना, जो आप शेर देख रहे हो। जनता पार्टी जो है उन्होंने 1977 में इसको बंद कर दिया था, परंतु 1980 में कांग्रेस ने इसको वापस प्रारंभ किया, और 1980 में दोबारा प्रारंभ होने पर सबसे पहले किसको मिला था, तो मदर टेरेसा को, यानी जब आपके 1980 में दोबारा प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले किसको मिला था, मदर टेरेसा को। मरणोपरांत सर्वप्रथम जो भारत रत्न है वो लाल बहादुर शास्त्री जो है उनको मरने के बाद में, उनके मरणोपरांत मिला है। उसके बाद में यहां से शुरू होता है पद्म पुरस्कार जो है, ये सभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को दिए जाते हैं, और पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1971 में बंद कर दिया गया था और 1980 में वापस प्रारंभ किया गया था। इसके साथ में तीन पद्म पुरस्कार होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे पहला है पद्म विभूषण, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य यदि किया जाता है तो उसके लिए आपके कौन सा मिलता है, पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत रत्न के बाद में दूसरा सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। उसके बाद में पद्म भूषण, पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपके क्या है, अवार्ड है। उसके बाद में पद्मश्री, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला बिल्कुल चौथा जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, भारत रत्न अगर आप देखोगे तो, अगर हम बात करें भारत रत्न तो लता मंगेशकर जी को मिल चुका, बिस्मिल्ला खान जी को मिल चुका है, उसी के साथ साथ में गिरिजा देवी, उसी के साथ साथ में आपके एसएस सुएने सुबुलक्ष्मी, इन सभी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सभी से इन सभी को नवाजा गया है। और पंडित रविशंकर जी, जिनको हम भूल ही नहीं सकते, जिनको ग्रैमी, यानी अगर भारत से ग्रैमी किसने जीता है तो ग्रैमी अवार्ड की बात आएगी, उस पर हम देखो चर्चा करेंगे। पहले वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार में कौन कौन से, ये भी 26 जनवरी को मिलते हैं, जिसमें परमवीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। यह मेडल है वो कांस्य है, यानी आपके कांस्य से बनाया जाता है। इस पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से, किस रंग के रिबन से, तो बैंगनी रंग के रिबन से इसको बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में इसको लगाया जाता है। उसके बाद में महावीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर यह स्टैंडर्ड चांदी से बना होता है ना, अगर आप ये देखोगे ये चांदी से बना हुआ है। उसके बाद में वीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह पदक चांदी से, यह भी किससे बना होता है, तो आप वीर चक्र देखोगे यह भी आपके चांदी से बनाया जाता है। उसके बाद में विशिष्ट सेवा मंडल अशोक चक्र, यह जल थल व नभ में वीरता दिखाने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और जीवन रक्षा मतलब, तो जीवन रक्षा की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी सैनिक सिपाही किसी को आग में
यानी आग में जलने से बचाता है या जल में डूबने से बचाता है, तो उसके लिए जीवन रक्षा है, जीवन की रक्षा करने वाला चक्र दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। ये लीजिए, सभी सुनते हैं और लेटेस्ट में आपको पता भी होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे आपके ऑस्कर है तो ये भारत का ऑस्कर है। दादा साहब फाल्के जिनको भारत की फिल्म इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है, और उन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो आपके शुरू किया गया, जिसमें आपके 10,00,000 नगद मिलते हैं, तिरना क्या 10,00,000 नगद राशि, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल भेंट किया जाता है। पहला पुरस्कार 1969 में देवी का रानी रॉरिक किसको मिला था, तो पहला जो है वो 1969 में देवी का रानी को मिला था। वर्तमान पुरस्कार 2022 में आलिया भट्ट जो है बिल्कुल कम उम्र में है फिर भी उनको क्या मिला है, आलिया भट्ट को आपके दादा साहब फाल्के मिल चुका है, और किसके हाथों से, तो द लेजेंड रेखा जी के हाथों से मिला था। और मरणोपरांत 1971 में पृथ्वीराज कपूर, ये ध्यान रखना, ये पहले एक्टर हैं जिनको मरणोपरांत, पृथ्वीराज कपूर को उनके मरने के बाद में जो है 1971 में क्या दिया गया था, दादा साहब फाल्के। और अमिताभ बच्चन बिल्कुल इन पर भी बहुत बार पूछा गया, अमिताभ बच्चन जी जिनको 2018 में दादा साहब फाल्के दिया गया था। फिर है आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए आपको सब बताएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें एक वाघ देवी जो होती है, वाघ देवी मतलब वाघ देवी बोलने की देवी, कहीं ना कहीं सरस्वती का रूप है, और साथ में एक प्रशस्ति और शॉल दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला भारत में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए, यानी आठवीं जो अनुसूची है उसमें भारत की जो भी भाषा शामिल है उसके लिए अगर आप लेखन का, किस क्षेत्र में, ये साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में दिया जाता है, ये याद रखना, पर किसी भी भाषा को जो आठवीं सूची में आती है, अनुसूची में, उसको दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 11,00,000 रुपए नगद, कितने 11,00,000 नगद, वाघ देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। और 2018 में पहली बार अमिताभ घोष जो है उनको अंग्रेजी के लिए क्या मिला है, यहां से ये पॉइंट याद रखना कि अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी के लिए 2018 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में उनकी कृति आडा कुजाई जो मलयालम में है उसके लिए मिला था। और वर्तमान पुरस्कार जो है वो दामोदर माउजो को मिला है कोंकणी भाषा में 2022 में। उसके बाद में ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी जो कि संगीत के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च, यानी संगीत का ऑस्कर है ये, ठीक है, संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है, 108 श्रेणियों में मिलता है। 1973 में पंडित रविशंकर, बिल्कुल पंडित रविशंकर इनको भारत में मिला था, जो कि एक सितार वादक है, सितार प्ले करते हैं। उसी के साथ साथ में 1994 में इन्हीं के शिष्य है विश्वमोहन भट्ट, और विश्वमोहन भट्ट को क्यों मिला था, सितार के लिए नहीं मिला है, इनको मिला है गिटार वीणा के लिए, गिटार वीणा, और गिटार वीणा के ये क्या है, जनक है। यानी अगर मैं बात करूं तो पंडित रविशंकर के शिष्य हैं, उनसे सीखा और इन्होंने गिटार को वीणा का रूप दे दिया, और वो इतनी प्रसिद्ध हुई है कि उसके लिए इनको ग्रैमी मिला है। तो पंडित रविशंकर को, विश्वमोहन भट्ट को, और जी हाँ हमारे एल आर रहमान साहब जो कि ऑस्कर भी जीत चुके हैं और 2 बार ग्रैमी भी जीत चुके हैं। उसी के साथ में पुलित्ज़र आपके, कौन सा पुलित्ज़र जो पुरस्कार है, तो पुलित्ज़र की अगर मैं बात करूं तो पुलित्ज़र जो है आपके वो प्रारंभ हुआ था 2017 में, अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्ज़र के नाम पर असाधारण योगदान के लिए। और ये आपके सबसे बड़ा किसमें है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है कोलंबिया वो यूएसए में जो है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। उसके बाद में गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी जी के नाम पे दिया जाता है, बिल्कुल 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय योगदान के लिए, जो विश्व शांति में देते हैं योगदान उनको, और इस पुरस्कार में 1 करोड़ नगद राशि और प्रशस्ति जो है वो दी जाती है। कलिंग पुरस्कार, और कलिंग तुम जानते हो सम्राट अशोक का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, कलिंग में, जिसको उन्होंने जीता था, प्रारंभ 1952 में। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे, बिजू पटनायक, और जिनकी सहायता से इसको देना प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, जो आपके विश्व विरासत सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है आपके यूनेस्को की। तो अगर मैं बात करूं तो आपके जो विज्ञान के क्षेत्र में जो असाधारण योगदान देते हैं उनको आपके ये पुरस्कार दिया जाता है, इसको ध्यान रखना। और अंत में है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार,
जो आपके 1965 में शुरू हुआ है, विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, यानी जो विश्व शांति में और पूरे संसार में सद्भावना बनाने की जो कोशिश करते हैं उनको दिया जाता है, जिसमें 25,00,000 रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र उनको दिया जाता है। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा इसको, भारत सरकार का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री यानी हमारा विदेश मंत्रालय, वो इस पुरस्कार को दिया जाता है। और उसके बाद में अंत में हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का न्यू बैच, बिल्कुल दोरा क्लासेस पर जाइए और हमारे इस बैच का एक हिस्सा बनिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी लाडलों को जय हिंद, वंदे मातरम।